उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव को गोली लग गई। मौके पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि लाइसेंसी लोड रिवाल्वर के अचानक चलने से खुद ही उन्हें गोली लग गई। किस तरीके की हालत है? लेकिन अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी इसीलिए इमरजेंसी में अभी एडमिट किया है। तो अभी एकदम से कह पाना कि कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। दुर्घटना बतलाइए, बाकी हालत की कोई कहाँ की घटना बताई जा रही है? घटना गाँव गाड़ी बैठ रहे थे, गाड़ी उतर रहे थे, अच्छा पिस्टल चल गया। अखंड भारत न्यूज के अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के नवाबगंज क्षेत्र में मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है और रात की अवधि कम हो जाती है। चूंकि सूर्य ही ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, इसलिए हिंदू धर्म में मकर संक्रांति मनाने का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। पंडित हरि नारायण प्रसाद के अनुसार इस दिन गुड़, तिल, मूंगफली, तांबे के बर्तन का दान कर मकर संक्रांति सूर्यदेव की आराधना कर स्नान दान करना विशेष महत्व माना जाता है। नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत राप्ती नदी के लक्ष्मणपुर, रसोमा, जानकी गांव, होलिया घाट के तीर्थ स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे तथा होलिया घाट पर स्थित प्राचीन हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे तथा सुबह से ही स्नान दान करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मान्यों को खिचड़ी भोज करवा कर लोगों ने हर्षोल्लास से त्योहार मनाया। इस मौके पर श्यामलाल गुप्ता, अर्जुन कुमार पांडे, अर्जुन गुप्ता आदि ने सहभाग किया। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।